some little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम आपको पेन जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, हर साल होता है, तो वहाँ पे हम आपको लेके चल रहे हैं। तो हम ऑलरेडी अभी बाइक पे है और बढ़ रहे हैं ऐसे आगे, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है पूरा पेनजिम के स्ट्रीट्स। तो ये मार्केट एरिया के थोड़ा आगे से आप ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर तक देख पाओगे कि सारा कुछ यहाँ पे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, एकदम रंगीन यहाँ पे है पूरा स्ट्रीट्स। तो सब आपको दिखाएंगे। ये आपको देख सकते हो एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, तो एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा करके ये ऑफिस है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मेन ऑफिस है यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे हमें परमिशन नहीं है जाने के लिए, इस वजह से हम बाहर से आपको सब कुछ दिखा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैकिनिस पैलेस करके एक जगह है, तो वहाँ पे भी आपको एक छोटा सा थिएटर है 50-60 कैपेसिटी का। तो वहाँ पे भी जो फिल्म्स एंड ऑल दिखाई जाती है फिल्म फेस्टिवल के दौरान, और ये इसका ग्रैंड एंट्रेंस भी आप देख सकते हो। तो ये 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का। तो कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है बिल्डिंग्स को आप देख सकते हो अंदर। तो सारा कुछ आपको दिखा देंगे, तो आप बिल्कुल भी बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और ये आप आईनॉक्स देख सकते हो गाइस, आईनॉक्स जो मूवी थिएटर है वो भी पार्ट ऑफ द वेन्यू है। तो यहाँ पे भी आपको जो 4 स्क्रीन्स है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मूवीज़, इंटरनेशनल मूवीज़ और इंडियन मूवीज़ दिखाए जाते हैं, जो अवार्ड विनिंग मूवीज़ है जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहता है, और जो नॉमिनेटेड रहते हैं वो सारे आपको फिल्म्स यहाँ पे दिखाई जाते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बिल्डिंग्स है यहाँ का। एक ये भी एक पार्ट ऑफ द वेन्यू है, तो इस वजह से, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑलमोस्ट गोवा में जो भी शूटिंग्स एंड ऑल होते हैं, तो सब जगह मोस्ट ऑफ द जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो इस बिल्डिंग में हमेशा ही शूटिंग का वन ऑफ द पार्ट रहता ही है। थोड़ा बहुत तो इस बिल्डिंग को लिया ही जाता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लाइट्स एंड ऑल सब एकदम दर्शनीय लग रहा है, एकदम आई कैचिंग। तो ये आप देख सकते हो, तो इसके बिल्कुल पीछे वो आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स थिएटर है, और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में आपको जो स्टॉल्स एंड ऑल फूड स्टॉल्स एंड ऑल है वो सब लगे हुए हैं, तो वो भी आपको हम दिखा देंगे थोड़ी देर में। तो आप बिल्कुल भी बने रहिएगा। ये आप देख सकते हो रोड के ऑपोजिट साइड में, तो रोड के ऑपोजिट साइड में अभी हम आ गए हैं, और ये स्टॉल्स का जो यहाँ से शुरुआत है, तो ये सारे आपको फूड स्टॉल्स, एंटरटेनमेंट विलेज एंड सारा कुछ यहाँ पे है। ये आप देख सकते हो, एक बेलपुरी का गाड़ा है, उसके बगल में एक जूस सेंटर है, और उसके बिल्कुल बाजू में अराउंड जाकीज बिरयानी करके है। तो वहाँ पे तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, पूरा बिरयानी ख़त्म हो गया है। और ये वाव मोमोज करके एक आउटलेट है यहाँ पे मोमोज का, जो मोमोज के शौकीन है, मोमोज जिसको पसंद है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये आपको ऑलमोस्ट 8-10 डेज़ के लिए चलता है। और यहाँ से आप देख सकते हो गाइस कितना पूरा आपको बिल्डिंग नज़र आ रहा है, और कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एरिया है ये। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और स्टॉल्स एक्सप्लोर करते हैं। और आगे आई गेस यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट विलेज जैसे भी है,
तो वहाँ पे अंदर हम नहीं जाएंगे, बाहर से आपको दिखा देंगे। और ये आप देख सकते हो एक फ़नी कलेक्शंस जो फंकी काइंड ऑफ रहते हैं, तो वो सारा कुछ। और यहाँ फिर से फूड आउटलेट्स जो यहाँ पे हर साल रहते ही रहते हैं, जूसेस का ऑल। और ये इंडिया एट 75 का भी आप एक डेकोरेशन देख सकते हो। और ये अगेन एक फूड आउटलेट, उसके बाजू में फिर अगेन एक फूड आउटलेट है। तो फूड आउटलेट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं गाइस। और ये स्वीट कॉर्न एंड ऑल जो भी रहता है वो, फिर अगेन कोकम सोडा जूसेस एंड ऑल, ये सारे आपको उसका एक आउटलेट। फिर अगेन एक फूड बिरयानी का आउटलेट, ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लग रहा है। और जैसे लैंटर्न्स रहते हैं छोटे से, वो वैसे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपको और भी आपको फूड ट्रक्स एंड ऑल है आगे, ये आपको जनरेटर का एक ट्रक है। तो इसके बाजू में आपको एंटरटेनमेंट विलेज जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एंटरटेनमेंट विलेज है। यहाँ पे गोवा एंटरटेनमेंट विलेज करके लिखा हुआ है, बट देन यहाँ पे अंदर कुछ प्रोग्राम है ना अभी तक शुरू नहीं हुआ है गाइस। मे बी आने वाले 2-3 दिनों में हो जाएगा, लास्ट 3-4 डेज में हो जाएगा। और ये वैसे भी हमने वीडियो शूट किया है अराउंड 11:30 को रात में, तो उतना ज़्यादा आपको क्राउड भी नज़र नहीं आ रहा है। और म्यूज़िक भी आपको मतलब हल्का है या फिर मतलब बंदी है, तो इस वजह से तो प्रोफेशनल बहुत सारे हैं यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए, रील्स एंड ऑल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो आप गाइज आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अराउंड 28th ऑफ नवंबर तक है। और ये हेवनली क्रस्ट करके एक फूड ट्रक है यहाँ पे, तो पिज़्ज़ाज जो भी नॉर्मल फास्ट फूड आइटम्स हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और ये ईट्स करके एक अगेन एक फूड ट्रक है। और इसके बिल्कुल बगल में आप देख सकते हो ये एक डेकोरेशन जैसा बनाया गया है, एक मतलब गोवा के कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ ऐसे नज़र आ रही है, एग्जैक्टली तो पता नहीं ये क्या है। और यहाँ पे और एक चीज़ आप देख सकते हो, दो चीज़, ये आई थिंक सम कुछ भगवान का रिलीजियस स्टफ नज़र आ रहा है, बट स्टिल अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये हो गया आपको जो भी स्टॉल्स एंड ऑल है ऑपोजिट एरिया जो था वो। और बाकी आपने शुरुआत में भी देखा स्ट्रीट्स, और अभी हम आगे आपको फिर अगेन जो रोड लीडिंग टुवर्ड्स द मीरामार बीच है वो आपको वहाँ पे हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे। तो जो स्टॉल्स एंड ऑल है वो सारे एक्सप्लोर तो कर लिए हम लोगों ने, अभी जो बाकी का आगे का स्ट्रीट बाकी है वो आपको एक्सप्लोर करा देंगे। वो आप देख सकते हो यहाँ पे सब एक भी झाड़ ऐसा नहीं नज़र आएगा आपको कि उसको लाइटिंग्स एंड ऑल नहीं है, सबको लाइटिंग्स एंड ऑल है। फिर अगेन यहाँ पे आप आगे चलोगे तो देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन अलग है, लाइटिंग्स यहाँ पे अलग है। और ऊपर जो ब्रांचेस है झाड़ के तो उसमें भी आपको लैंटर्न्स जैसे लगे हुए हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। तो अगर आप गोवा में हो तो आप ये इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। इवनिंग्स में आप अराउंड जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद आप आ सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा क्राउड, लोकल क्राउड एंड ऑल जमा हुआ नज़र आ जाएगा। और फूड स्टॉल्स एंड ऑल तो बिल्कुल भी है, ओपन नहीं रहेंगे सब कुछ। तो मार्केट एरिया से लेकर आप जो कला एकेडमी एरिया है वहाँ तक आपको पूरा ये डेकोरेशन नज़र आ जाएगा। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एरिया है, हर साल आपको इफ़ी के लिए ऐसा डेकोरेशन नज़र आता है। तो ये आपके जो थोड़ी देर पहले आपने देखा वो वहाँ पे था, ये कला एकेडमी बोलते हैं उसको, तो कला एकेडमी। और ये आप देख सकते हो अगेन लैंटर्न्स हम आपको फोकस करके दिखा रहे हैं जो झाड़ में लटकाए गए हैं ब्रांचेज में झाड़ के, तो वो एक है। और आगे आपको ये भी दिखा देंगे, ये देखिए आप सर्कल है, ये मीरामार का सर्कल है गाइस। तो यहाँ पे भी आप डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे भी बनाया गया है। तो जहाँ जहाँ पे सर्कल है वहाँ वहाँ पे आपको ये सारी ऐसा डेकोरेशंस नज़र आ जाएगा।
तो ये था गाइस इफ़ी से रिलेटेड वीडियो। कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।